कालिंदी एक्सप्रेस जो कि प्रयागराज से भिवानी जाती है, इसके लोको पायलट ने इन्फॉर्म किया कि इन्होंने बिटवीन स्टेशन बराजपुर और उत्तरीपुरा इन्होंने बताया कि सामने गैस सिलेंडर इन्होंने नोटिस किया, जिसके बाद इन्होंने ब्रेक अप्लाई किया। आरपीएफ द्वारा जांच की गई तो वहां पे गैस सिलेंडर मिला और भी कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली। क्या रीजन था, क्यों इस तरह की घटना की गई है और इसके पीछे क्या मोटिव था और इसके पीछे कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इन सभी बिंदुओं पर स्टेट पुलिस जाँच कर रही है। एक बार उनकी जाँच रिपोर्ट आ जाएगी तो अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 1417 कालिंदी एक्सप्रेस जो कि प्रयागराज से भिवानी जाती है, इसके लोको पायलट ने इन्फॉर्म किया कि इन्होंने बिटवीन स्टेशन बराजपुर और उत्तरीपुरा इन्होंने बताया कि सामने गैस सिलेंडर इन्होंने नोटिस किया, जिसके बाद इन्होंने ब्रेक अप्लाई किया, गैस सिलेंडर से लोको टकराया। उसके बाद से इन्होंने ट्रेन रोक के चेक किया। सबसे पहले इन्होंने लोको को देखा, लोको सेफ पाया गया। उसके बाद से इन्होंने और ट्रेन मैनेजर ने मिलकर ट्रैक की सेफ्टी भी देखी कि ट्रैक सेफ है। उसके बाद से ट्रेन को सेफली वहां से इन्होंने चलाया, कंट्रोल को भी इन्होंने सूचित किया। तो जो सेफ्टी के सभी नॉर्म्स होते हैं वो लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर द्वारा फॉलो करके ट्रेन को सुरक्षित तरीके से चलाया गया। वहाँ पे आरपीएफ द्वारा जांच की गई तो वहाँ पे गैस सिलेंडर मिला और भी कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली, जिसके बारे में एक एफआईआर कराया गया, दर्ज कराया गया स्टेट पुलिस के साथ। स्टेट पुलिस इसकी पूरे मामले की जांच कर रही है और जैसे ही इसमें कोई और अपडेट आता है तो आप लोगों को बताया जाएगा। सर, ये अक्सर कुछ दिनों से ट्रैक पर कभी पत्थर, कभी ईंट, लकड़ी, ऐसे मामले आते जा रहे हैं, उसको लेके क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये दूसरा मामला, इसके पहले एक और लकड़ी रखने का मामला आया था, उसमें दो लोगों को अरेस्ट किया गया है, वो अरेस्टेड हैं। और इसमें जो पुलिस है वो अपनी कार्रवाई कर रही है, रेलवे इसमें जागरूकता फैला रही है, लोगों को से अपील भी कर रही है रेलवे की, ट्रैक पर जो ट्रेनें चलती हैं उसमें हम आपके सभी के परिजन ट्रेनों में ट्रैवल करते हैं, ट्रेनों की सेफ्टी हमारे लिए पैरामाउंट है और ट्रेनों को सेफ रन करने के लिए हम सभी से अपील करते हैं कि इस प्रकार के ट्रैक पे किसी भी प्रकार की कोई वस्तु ना रखें, और अगर कोई भी इस तरह का संदिग्ध मिलता है या इस तरह की एक्टिविटी करता है तो उसकी सूचना रेलवे को तत्काल दें। और लगातार हम लोग इसको लेकर जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, आरपीएफ द्वारा लगातार गश्त भी किया जा रहा है ऐसे जो सेंसिटिव एरियाज हैं उन जगहों के, तो लगातार हम लोग जो अपनी अवेयरनेस है वो फैला रहे हैं और जो ट्रैक की निगरानी है वो की मैन द्वारा डेली एक बार कंप्लीट ट्रैक इंडियन रेलवेज की सुबह एक बार देखी जाती है, एक बार मॉनिटर होती है। तो जो सेफ्टी है वो हमारे लिए पैरामाउंट है और उसके लिए सभी आवश्यक कदम हम लोग उठा रहे हैं और ऐसे मामलों में पुलिस भी अपना कार्य कर रही है। सर, जिस हिसाब से सिलेंडर था, पेट्रोल वगैरह बरामद, तो क्या आगे बड़ी हादसा भी होने का? देखिए, ये पूरे मामले की जांच स्टेट पुलिस द्वारा की जा रही है और जैसे इसमें कुछ अपडेट आएगा तो ये उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। अभी एक बार जांच में स्पष्ट हो पाएगा कि क्या रीज़न था, क्यों इस तरह की घटना की गई है और इसके पीछे क्या मोटिव था और इसके पीछे कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इन सभी बिंदुओं पर स्टेट पुलिस जाँच कर रही है। एक बार उनकी जाँच रिपोर्ट आ जाएगी तो अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.